नमस्कार सभी को, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्ले स्मार्ट प्ले इपेक आसनसोल कॉन्टैक्ट नंबर इज 8695607709। अनदर नंबर इज 1800123399999। श्रीवास्तव के अनुसार वाराणसी में मस्जिद को गेरुआ रंग करने के मामले में प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। यह मस्जिद को फिर से सफ़ेद रंग में रंगा जा रहा है। दरअसल वाराणसी के बुलाना कर्णघटा मस्जिद को गुरुवार को हल्के गेरुआ रंग में पेंट किया गया था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 13 दिसंबर से पूर्व विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में मस्जिद को गेरुआ रंग करने के मामले में प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। यहां मस्जिद को फिर से सफ़ेद रंग में रंगा जा रहा है। दरअसल वाराणसी के बुलाना कर्णघटा मस्जिद को गुरुवार को हल्के गेरुआ रंग से पेंट किया गया था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले इमारतों को हल्के गेरुआ रंग में रंगा जा रहा था। इसी के चलते एक मस्जिद का रंग भी गेरुआ कर दिया गया, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी जताई थी। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के में तानाशाही करने का आरोप लगाया। दरअसल वाराणसी के बुलाना इलाके में सड़क किनारे एक काफ़ी पुरानी मस्जिद है, जिसे बुलाना मस्जिद भी कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद था। आरोप है कि प्राधिकरण ने हल्का गेरुआ रंग रातों रात पेंट करा दिया। इससे मस्जिद से जुड़े लोगों ने काफ़ी विरोध जताया और इसे प्राधिकरण का तानाशाही रवैया बताया गया। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कहा कि वह एक रूपांतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद की देखरेख करने वाले अजुमन इम्तियाज मस्जिद कमेटी के मोहम्मद इजाज इस्लाही ने बताया कि मस्जिद का रंग रातों रात बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्र सरकार में सशस्त्र बलों विशेष शक्तियों को निरस्तर करने को कहा। 1958 के अधिनियम AFSPA जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में हत्याओं को के लिए अभियोजन से बचाता है, यह मांग शनिवार और रविवार को नागालैंड के मौन जिले में रक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या के बाद की गई। मुख्यमंत्री फ्यूरियो ने कहा कि नागालैंड सरकार चाहती है कि लंबे समय से चले आ रहे अफसपा को दोहराया जाए। रियो ने सोमवार को मौन में मृत नागरिकों को अंतिम संस्कार में कहा, अफसपा हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अधिकारी मारे गए नागरिकों के लिए न्याय का पीछा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के विशेष अभियान दल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने रियो का समर्थन किया। सांगमा ने ट्वीट किया, अफसपा को दोहराया जाना चाहिए। अब बाद में एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने उनके पिता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए सांगमा के दिनों में अफसपा का विरोध किया। अफसपा ने कोई परिणाम नहीं दिया, वास्तव में इसके प्रवर्तन उल्टा साबित हुआ। उग्रवाद मुद्दों से निपटने के कई तरीके हैं, अफसपा कोई रास्ता नहीं है। कठोर कानून के निरस्त करें, नेशनल पीपुल्स पार्टी का नेता ने कहा। रियो और सांगमा दोनों पार्टियां जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। रियो और सांगमा दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, जो दो पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र में सत्ता में है।
जमीजोटों में कोयला खदानों का उत्पादन ठप, दामगोरिया में खुली खदान को आर्थिक नुकसान की सूरत, कुलटी गत दुर्गा पूजा में पूर्व जमींदाता किसानों ने दमगोरिया स्थित बीएमसीएल की खुली खदान का कोयला उत्पादन बंद कर दिया। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जमींदार किसानों ने खुले गड्ढे वाले कोयला खनन का कार्य बंद कर दिया। जमींदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें फिर से काम बंद करना पड़ा। विरोध करने वाले किसान ने मांग की, हम काम रोकने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अधिकारियों ने हमारी खेती योग्य भूमि काट दी है और कोयला निकाला है। उन लोगों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए जिनके पास है रोजगार की फाइल इस तरह से तय की, और भूमि अधिकारियों को कुछ किसानों की जमीन का पंजीकरण करना है। कैमरे के सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई। আজকে কি করছে? এইখানে আজকে আমাদের একটা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মিটিং হয়েছিল আগে। সেখানে ম্যানেজমেন্ট বলেছিল যে 7 দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিলিজ করবে, আর যেগুলো রেজিস্ট্রি বাকি আছে জমিদের, সেই রেজিস্ট্রিগুলো 15 দিনের মধ্যে হবে। সেই কথা ভায়োলেট করে আজকে নিজের মন মর্জি এখানে মেশিন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা চাইছি যে যেমন যেমন আমাদের ফাইলের স্ট্যাটাসগুলো আছে, আমরা সবাই এখনই চাকরি চাইছি না, কিন্তু যেমন যেমন স্ট্যাটাস আছে, যার যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাকি আছে, সেটা টাকা টাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিলিজ করা হোক, আর যার যার রেজিস্ট্রি করা বাকি আছে, রেজিস্ট্রি ইমিডিয়েট চালু করা হোক, তারপরে মেশিন টেশিন এখানে চলবে। আমরা মাইন্ডসের বিপক্ষে না, মাইন্ড চালাক, কিন্তু আমরা চাইছি শ্রমিকের স্বার্থ যেন রক্ষা করা হয়। শ্রমিকের ওপর বুলডোজ করে জমি নিয়ে সম্পত্তি না দিয়ে না চালু করে, আমরা এর বিপক্ষে। আমরা চাই যে মাইন্ড চলুক, কিন্তু তার সঙ্গে কম্পালসন দিক, ম্যানেজমেন্ট কম্পালসন দিচ্ছে না। ম্যানেজমেন্ট যে কথাগুলো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, খালি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, ওটা পালনও করছে না। এবার সেটা না করে হঠাৎ দেখছি আজকে মাইন্ড চালু করবে, একটা পদ্ধতি শুরু করে দিয়েছে, করবো আর লড়াই করে যাবো। ম্যানেজমেন্ট এখানে ওই এ এসেছিলো, কি ম্যানেজার সাহেব এসেছিল, হ্যাঁ, আর এজেন্ট সাহেবও ছিল। এজেন্ট সাহেব নিজের মন মর্জি চলে গেল, হ্যাঁ, আমাদের কারোর সঙ্গে কথা বলল না, কোন চাষির সঙ্গে কথা বলল না, যে এটা চলুক, মাইন্স চলুক, অর্থনীতি উন্নতি হবে। কিন্তু তার সঙ্গে যেটা চাষিরা আছে, তারা যে জমিগুলো দিয়ে দিয়েছে, আর ওতে কিচ্ছু নাই, জমিগুলো কেটে কয়লা বিক্রি হয়ে গেছে, তাদের তাদের জমিগুলোই নাই আর, তো তাদের কম্পেনসেশন কে দেবে? ম্যানেজমেন্টকে দিতে হবে। এবার ম্যানেজমেন্ট সে কম্পেনসেশন না দিয়ে জবরদস্তি গায়ের জোরে সিআইএসএফ নামিয়ে এখানে মাইন চালু করতে চাইছে। আপনার নাম? আমার নাম অনির্বাণ লাইক। श्रीवास्तव एंड वसीम खान के अनुसार अमरनाथ चटर्जी ने जितेंद्र तिवारी द्वारा पार्किंग और होर्डिंग के एवज में 3 करोड़ की राशि बकाया होने पर कहा कि यह तब की बात है जब वह इनके दायित्व में नहीं था। उन्होंने बताया कि पार्किंग और होर्डिंग के लिए आखिरी टेंडर 2016 में हुआ था, जिसे लगातार बढ़ा बढ़ा कर दूसरा टेंडर 16 दिसंबर 2020 को हुआ। चेयरमैन ने कहा कि 2020 के मार्च तक हॉर्डरिंग और पार्किंग में 2 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा की राशि बकाया हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, इसका समुचित जवाब वह नहीं दे पाएंगे क्योंकि तब वह इसके दायित्व में नहीं थे। अमरनाथ चटर्जी ने कहा उन्होंने कार्यकाल में इन पार्किंग और हॉर्डरिंग की जिम्मेदारी जिसे सौंपी थी, उन्होंने उनके पास 9 फाइलें गायब हो गई। फाइलों के मिलने के बाद ही बकाया राशि का सही आलंकन हो पाएगा। उन्होंने कहा कि फिर से टेंडर का आह्वान किया गया है और जल्द ही निगम के तरफ से कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फाइल गायब होने को लेकर निगम के कमिश्नर उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे।
उन्होंने कहा कि पार्किंग और होर्डिंग के एवज में 2021 में 78 लाख रुपए की राशि की वसूली की गई। अमरनाथ चटर्जी ने सभी राजनीतिक दलों को नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रानीगंज कुलटी में सभी होर्डिंग गैर कानूनी है, वहीं आसनसोल के सिर्फ 32 होर्डिंग ही जायज है, बाकी सभी गैर कानूनी है। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তারা আসানসোল বাসীর কাছে একটা ভুল বার্তা পৌঁছে দেয়, যার মধ্যে কি হয় মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তের সৃষ্টি হয়। সেই বিভ্রান্ত যাতে না থাকে তার জন্যই আজকে আপনাদের সম্মুখে ডাকা। এই পার্কিং হোর্ডিং নিয়ে আমরা টেন্ডার করেছি, পার্কিং হোর্ডিং নিয়ে আমরা টেন্ডার করছি, দীর্ঘদিন এই টেন্ডারটা বন্ধ ছিল এবং আমরা শহরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়াস করছি এবং বেনিয়ম বন্ধ করার চেষ্টা করছি। বন্যা তাও কিন্তু আমরা মানুষকে উৎসবগুলোকে সুন্দর করার এবং উৎসবগুলোকে আনন্দমুখর করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে আসানসোলের মানুষকে আমরা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমাদের ক্ষমতার মধ্যেখানে যতদূর পরিশ্রম করা যায়। কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হয়নি, কেউ অসুবিধা অভিযোগ আমাদের জানায়নি, কিন্তু বড় মানুষ আমাদের বারবার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দনই জানিয়েছে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মাধ্যমে। আমরা টিএমসি নামে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেছি, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা কী কী কাজ করি সেগুলো দেখিয়ে দেওয়া হয়। কোভিড যারা পয়সা জমা দিচ্ছে না এবং টেন্ডার যখন আমরা ফ্লোটিং করে দিয়েছি, নতুন লোক আসবে তারা আমাদের যেরকম সিস্টেম থাকবে সেই অনুযায়ী দেবে। আর আমরা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ হয়তো বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কথা বলে যে এখন তো টুইটার ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের বাজার, একটা কিছু ছেড়ে দিলেই হলো মানুষ দেখবে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের উপর সকলেরই বিশ্বাস আছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশ্বাস আছে, তাই দুয়ারের সরকার এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এখনো ভিড় হবে এবং আসানসোল কর্পোরেশনে এটা বাকি হয়েছে। তা আমরা তো চেষ্টা করেছিলাম, উনি যে 3.5 কোটি টাকা বলেছেন সেটা নয়, আমরা তো অনেক মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমরা আদায় করেছি, আমরা তাদের বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়েছি যারা এই সমস্ত সঙ্গে জড়িত, আমরা স্ট্যান্ডে পাঠিয়েছি এবং কিছু আমাদের পার্কিং এবং হোর্ডিংয়ের কিছু ফাইল, যে ফাইলের দায়িত্বে উনি যাকে দিয়েছিলেন তৎকালীন সময় সেই ফাইল আমরা প্রায় 9খানা ফাইল আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সেই 9খানা ফাইলে কত ডিউস কি বৃত্তান্ত সেটাও আমাদের কাছে জানা নেই। 2016 সালে আপনার হোর্ডিংয়ের টেন্ডার হয়েছিল, লাস্ট পার্কিংয়েরও টেন্ডার হয়েছিল 2016 সালে, তারপরে সেটা এক্সটেনশন দিতে 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 সেটা সেকেন্ড টেন্ডার হয় 16/10/2020। তো তখন তো আমি ছিলাম না, আমি বলতেও পারবো না কে এক্সটেনশন দিয়েছে, কেন এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল। এবং ততদিন 2020-র মার্চ পর্যন্ত আপনার খালি হোর্ডিং এ বকেয়া হয়েছে 2,25,77,972। ফিজিওথেরাপি ক্লিনিক মেল এন্ড ফিমেল, ফর কন্ট্যাক্ট 7047456855, কল অন দিস নম্বর। আসানসোল से अंकित श्रीवास्तव एंड वसीम खान के अनुसार आसनसोल डाक मेला 15 में भारतीय भवन में डाकघरों में समस्या के सीधे करे शिकायत 6289857676। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आसनसोल पोस्ट ऑफिस SSP आसनसोल डाक मंडल के नए वरिष्ठ डाक अध्यक्ष SSP का पदभार सैयद फराज हैदर नबी ने लिया, वह भारतीय डाक सेवा के अधिकारी हैं। आसनसोल डाक मंडल में करीब एक दशक के बाद IPS अधिकारी
एसएसपी के रूप में आए हैं 2009 में। सुप्रियो घोष एसएसपी के रूप में सिर्फ एक महीने तक रहे थे। उनके पहले पीके सिंह 2005 से 2008 तक एसएसपी थी। नए एसएसपी शेखर फराज हैदर नबी ने मंगलवार को पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डाक विभाग की विभिन्न सेवा लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए आगामी 15 दिसंबर को बरनपुर स्थित भारतीय भवन में डाक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोई भी व्यक्ति आकर डाक विभाग की विभिन्न सेवा आधार कार्ड, डाक बीमा, सुकन्या समृद्धि बचत खाता, जमा योजना आदि का लाभ ले सकते हैं। इस तरह का मेला डाक मंडल के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होगा। डाक मंडल में कहीं भी किसी तरह की समस्या होती है तो सीधे शिकायत करें, उसके छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। आधार को लेकर ढांचागत सुविधा का आभार है। डाक मंडल में 54 किट से आधार कार्ड बनाया जा रहे हैं। क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस इतने लोगों को एक बार नहीं दे पाता, तो हजार दो हजार लोगों को हम लोग वहाँ पर दे देते, और इसमें बहुत सारे हमारे जो स्टाफ हैं, ये एमजी के डायरेक्शन है, ये आपके डायरेक्शन नहीं नहीं ये हर डिवीजन में एक मेला होता है, डाक मेला। ये इंस्ट्रक्शंस तो हमें ऊपर से आते भी हैं और हम लोगों के कुछ इनिशिएटिव्स भी होते हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपको 2000 लोग ना दिखे, क्योंकि कुछ लोग दूर से आ नहीं पाएंगे, तो उनके फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे स्टाफ जो GDS हैं वो कलेक्ट कर आ जाएंगे वहाँ पे। उससे क्या होगा कि एक दो दिन पहले ही लोग अपने फॉर्म्स दे देंगे उनको, GDS वगैरह को, डिपार्टमेंटल स्टाफ को, और वो लेकर आ जाएंगे उस मेला में, वहीं का वहीं प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ रहेंगे, ज़्यादा लोगों को एक साथ कैटर करेंगे, क्योंकि ये लाइनें लग जाती हैं पोस्ट ऑफिसेज में, ये लाइंस तो हैं, ये तो डेली बिजनेस है हमारा। लेकिन इसके साथ साथ एक कैंप जो है वो मेला इसलिए लगता है कि आम पब्लिक आए और वहीं पर उसका काम तुरंत हो जाए। मेला की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पर जो है हमें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, डिपार्टमेंट की, आप मानिए RPLI मानिए, आप आधार कार्ड लीजिए, आप फिर बैंक से दूसरे अकाउंट्स लीजिए, तो ये सब जो सर्विसेज है वो पब्लिक को बिल्कुल वहीं का वहीं पर मिलेगी। हम लोग वहाँ पर काउंटर लगा रहे हैं और वहीं पर डिस्पोज हो जाएगी वो सर्विस। ठीक है, एक दिन, हाँ एक दिन का ये मेला है सुबह। एंजल विद्या मंदिर अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस, वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास लाइक SSC, रेल, WBCS एंड स्टेट लेवल एग्जाम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 9932864067 और अनदर नंबर इज 8116183079। You can also add as friend on Facebook Angel Vidya Mandir। हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में भोजन देने का सुविधा शुरू। आसनसोल हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस में सोमवार से भोजन सुविधा मिलने से यात्री व काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया है। दैनिक यात्री ने बताया कि COVID-19 के समय से ही सभी ट्रेनों में बना हुआ खाना मिलना बंद हो गया था। इसी को देखते हुए पूर्व रेलवे में पहली ट्रेन आवारा की शताब्दी एक्सप्रेस में सोमवार से यह सेवा शुरू कर दी गई। आसनसोल रेलवे स्टेशन पे कल शाम को 230 आदमी का भोजन बुक किया गया था। इसी को देखते हुए आसनसोल रेल मंडल के फूड सेफ्टी ऑफिसर AK पारिया के ने बताया कि COVID-19 से सभी ट्रेनों में किचन से बना हुआ खाना नहीं मिल रहा था। पूर्व रेलवे में पहली बार हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस में यह चालू किया गया। इसी को देखते हुए आज हमने आसनसोल स्टेशन में शताब्दी एक्सप्रेस जब प्रवेश की तो मैंने उनकी खान सामग्री जितने भी हैं भेजो नॉनवेज खाने का जजाया लिया। लेने के बाद खाना की गुणवत्ता अच्छी थी। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट AIIMS कॉन्टैक्ट नंबर इज 9832824975। एड्रेस इज ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुलटी, पी बर्धवान, वेस्ट बंगाल। बाराबनी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त एवं बाराबनी थाना की पहल पर आज दमहानी हटला यातायात को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और बाद में स्कूली बच्चों के साथ रैली की गई।
সত্যি কথা বলছি, আমার দেখে মনে হলো বারাবণী এরিয়াতে মনে হয় হেলমেট পরা বারণ আছে। আমি জানি না আমি কতটা সত্যি বলছি, একটু পিছন দিকে সবাই তাকান, কতগুলো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন? কোন গাড়িতে হেলমেট আছে বলে আপনার মনে হয়? হেলমেটের জন্য 100 টাকার ফাইন হয়। 100 টাকা কখনো একটা জীবনের মূল্য হতে পারে না যতদূর আমি মনে করি। তাই পুলিশকে বাঁচার জন্য নয়, নিজের মাথাটাকে বাঁচানোর জন্য, নিজের ফ্যামিলিকে বাঁচানোর জন্য হেলমেটটা পরো। পরের কথা বলছি, মোবাইল ফোন নিয়ে গাড়ি চালাবেন না। মোবাইল ফোন যদি ইউজ করেন গাড়ি চালাতে চালাতে, সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হয়, আপনার পুরো চিন্তাভাবনাটা মোবাইল ফোনে যার সাথে আপনি কথা বলছেন তার দিকে চলে যায়। রাস্তায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনি কিন্তু আর তখন আপনার মাথায় থাকে না। একটা অ্যাক্সিডেন্ট একটা ফ্যামিলিকে কি হারে ক্ষতি করতে পারে সেটা আশা করি কম বেশি আপনারাও জানেন। পরিবারের যে ওর থেকে কিছু ট্রান্সপোর্টার এবং কিছু ড্রাইভার যারা আছেন, আমি ট্রাফিক সংক্রান্ত ম্যাটার নিয়ে খুব বেশি না বলে আমাদের অনুষ্ঠানটার কারণটা আমি আপনাদেরকে বলি। ট্রাফিক সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চতুর্দিকে অনেক রকম সময়তেই হয়ে থাকে, তো এইটাও ধরে নিতে পারেন সেরকমই একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। কারণ দিনের পর দিন পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখতে গেলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাফিক রিলেটেড অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের অনেক বেড়ে গেছে। তো কোথাও মনে হয়েছে যে এইগুলো নিয়ে আবার নিজেদেরকে নতুনভাবে ভাবা, নতুনভাবে সচেতন করা, এই জিনিসটার প্রয়োজন আছে এবং সেই উদ্দেশ্য নেই আমাদের এই প্রোগ্রাম। এই জায়গার আসর দেখলে মনে হয় খুব ছোট্ট একটা Daily at 9 p.m. with special features on Friday. News Movement Bangla, News Movement English, News Movement Urdu, News Movement Hindi. For more details and advertisement, contact 9563830285/700197279 8617659448 संजीव यादव बराकर आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह की 23वीं पुण्यतिथि आज सीतारामपुर स्टेशन रोड पर स्थित उनके मूर्ति पर लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पति पत्नी कलावती देवी, पुत्र कौशल सिंह सरवन सिंह तथा पोता अनुराग सिंह, छनबंती सिंह, अभिषेक सिंह के अलावा एसोसिएशन के सचिव के सिन्हा पत्रकार संजीव यादव रामेश्वर भगत के अलावा अन्य पत्रकारों ने स्वर्गीय सिंह की मूर्ति पर माला दान किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि स्वर्गीय सिंह पत्रकारों की समस्या होने पर तत्काल हाजिर होकर उनकी समस्या को हल करते थे। पत्रकार के संगठन को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रहता था। आज उनकी कमी हम सभी को महसूस हो रही है। वहीं दूसरी ओर बेगुनिया स्थित कार्यालय में उनके तस्वीर पर लोगों ने फूल माला दिया। एसोसिएशन के वरिष्ठ तथा कार्यवाहक अध्यक्ष सज्जन पारिक ने भी मालदान किया। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. टोल फ्री नंबर 1800258 7060। गंज से पवन शर्मा के अनुसार मानव शरीर के विभिन्न अंगों की भूमिका समेत वैज्ञानिक विश्लेषण से जुड़े लगभग 20 वीडियो बनाकर रानीगंज के बख्तार नगर के इलाके के रहने वाले छात्र रिसान घोष ने बड़ी छलांग लगाई है। उसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। इतनी छोटी उम्र में मिली बड़ी कामयाबी को लेकर रिसान घोष को बधाई देने वाली का ताता लगा हुआ है। श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कारखाने के एस्टेट वाइस प्रेसिडेंट, एचआर एंड कमिश्नर सुमित चक्रवर्ती और कारखाना के मंगलपुर यूनिट के सीनियर
कर्मसियल और फैक्ट्री मैनेजर उज्जवल चटर्जी रिसान घोष को सम्मानित करने उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने रिसान घोष को इस शानदार उपलब्धि के लिए न सिर्फ बधाई दी बल्कि एक टैब भी भेंट किया। इसके साथ ही छात्र के पिता सोमनाथ घोष और वैशाखी घोष को भी शुभकामनाएं दी। विनव गिनी हाउस एट के एन मुखर्जी लेन आसनसोल 1, टेलीफोन नंबर 0341-231-1920, मोबाइल नंबर 9933990442। इन डिटेल्स इन डायमंड जेम्स एंड स्टोन्स गोल्ड एंड हॉल मार्क्ड ज्वेलरी सिल्वर आइटम एंड यूटेंसिल्स जॉर्डिक पावर आइटम्स। भारत में पता चला है कि कई राज्यों में टीकाकरण निगरानी को और रोकथाम के उपयोग को आगे बढ़ाया और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार के 20 से अधिक मामले सामने आए। मुंबई में सोमवार को कोविड-19 ओमिक्रॉन संक्रमण के 2 मामले सामने आए, जिससे भारत में नए कोरोना वायरस संक्रमण की कुल संख्या 23 हो गई। पहले 2 मामले कर्नाटका में दर्ज किए गए, इसके बाद 1 गुजरात में और दूसरा महाराष्ट्र में दर्ज किया गया। बाद में रविवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में 7 मामले सामने आए, जिनमें से 6 एक ही परिवार के थे। भारत में मंगलवार सुबह 8 बजे पिछले 24 घंटों में 6,822 नए कोविड-19 मामले और 200 मौतें दर्ज की गई। यहाँ 18 महीने में सबसे कम एक दिवसीय स्पाइक भी है। सक्रिय मामले 95,014 हैं, जो कि 554 दिनों में सबसे कम है, और सोमवार को 10,000 से अधिक लोग भी ठीक हुए हैं। बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों ने टीकाकरण निगरानी और रोकथाम के उपाय तेज कर दिया है। उड़न मंत्री ज्योतिरादित्य सिंघानिया ने सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक डेल को निर्देश दिया कि यात्रियों द्वारा अपने टर्मिनल पर नए कोरोना वायरस संबंधित यात्रा दिशा निर्देश के कार्यवाहन के बाद और भीड़ की शिकायत के बाद बेहतर भीड़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से घबराने और कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया। AFSPA कई पूर्वोत्तर राज्यों, कुछ विद्रोही समूहों के घर और जम्मू कश्मीर में लागू हैं। कानून के तहत स्थानीय पुलिस को नागरिक अदालत में सेना या अर्धसैनिक बलों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सुनते हैं न्यूज मूवमेंट के संदेश को। सक्सेसफुल पीपल कांट रिलैक्स ऑन चेयर, दे रिलैक्स बाय वर्क, दे स्लीप विथ अ ड्रीम, अवेक विथ कमिटमेंट एंड वर्क टुवर्ड गोल, दैट्स द लाइफ स्पिरिट ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।